आज मैं कुकिंग करने वाली हूँ, वो भी मेरे स्कूल एक्टिविटी की। आज मैं बनाऊंगी दो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम एंड चॉकलेट आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम के लिए पहले मैंने यहाँ पे लिया है मैंगो सिरप, इसमें एक चम्मच ये कोको मिल्क पाउडर है इसे डाला, और एक चम्मच यहाँ पे मलाई ली है इसको भी डाला इसके अंदर। अब इस दोनों को हम लोग साथ में मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम लोग कप में डालेंगे। ये मैंने डाल दी इसके अंदर। अब इसे स्टिक लगाऊंगी और ये बन गई है मेरी मैंगो आइसक्रीम। अब हम लोग दूसरी आइसक्रीम बनाते हैं, उसका नाम है चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम के लिए हमने पहले लिया है चॉकलेट पाउडर, जो होता है बिस्किट को मैंने इसे क्रंच करके बनाया है। उसके अंदर भी मैं पूरा ये कोको पाउडर मिल्क पाउडर डाल दूँगी। अब थोड़ी सी मलाई लूँगी, इसी बना लूंगी और उसको इसके अंदर डालूंगी। अब इसे हल्का सा मिलाकर हल्का सा दूध, अब इसके अंदर थोड़ा ड्राई फ्रूट डालूंगी। मैंगो आइसक्रीम की अगर आपको पसंद हो तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब मैं चॉकलेट आइसक्रीम के लिए अब इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालूंगी, थोड़ा सा से उसको मिलाऊंगी। धीरे धीरे हम लोग उसको मिलाएंगे और इसके अंदर थोड़े और इसको फिर दूध डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा। अच्छे से अगर आपके पास कोई भी और चीज़ हो तो आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं।
अभी किसी भी चीज से, और थोड़े जो पैकेट्स बचे हुए होंगे आप उनको दोनों में डेकोरेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अब हम लोग इसे 4 घंटे के लिए फ्रीज में फ्रीज करेंगे जिससे ये सख्त हो जाए और कड़े। थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, जो मैंने आइसक्रीम बनाई थी वो रेडी है। ये मैंगो आइसक्रीम और ये वाली चॉकलेट आइसक्रीम। थैंक यू।